नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं जो जानकारी लेके आया हूँ वो है इग्नू स्टूडेंट्स के लिए। जो न्यू अपडेट आई है इग्नू से, वो है ग्रेड कार्ड के लिए और असाइनमेंट स्टेटस और डेट ऑफ एडमिशन है जो एक्सटेंड कर दी गई है। ये अभी हाल ही की लेटेस्ट न्यूज़ जारी की गई है इग्नू द्वारा, और मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है, अगर आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। चलिए देखते हैं कि क्या क्या लेटेस्ट अपडेट है और कैसे कैसे हम उनको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ग्रेड कार्ड के है जो कैसे चेक करेंगे। हम गूगल में इग्नू सर्च करेंगे, इग्नू के पहला ऑप्शन सिलेक्ट करते ही आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा इग्नू की साइट का। इसमें लेफ्ट साइड में ग्रेड कार्ड दिया होगा, यहाँ से आपको ग्रेड कार्ड के फॉर BCA, फॉर BDP, BA, BCOM, BSc सभी प्रोग्राम्स के लिए और अदर प्रोग्राम्स के लिए। आपको BA, BCOM, BSc के हैं तो आप इस पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपका यह इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पे आप अपना जो प्रोग्राम सिलेक्ट करोगे, BCOM, BDP, BSc जो भी करोगे, अगर BA करके फिर आप अपना एनरोलमेंट नंबर यहाँ डालोगे और सबमिट करोगे। ये आपका ग्रेड स्टेटस ग्रेड कार्ड का स्टेटस आ जाएगा। और उसके बाद है जो इग्नू असाइनमेंट स्टेटस के लिए, आप इग्नू असाइनमेंट सर्च करोगे गूगल में, असाइनमेंट स्टेटस पे क्लिक करोगे, ये इंटरफेस ओपन होगा, नया पेज आपका। इसमें आपका असाइनमेंट के डिटेल दिखा देगा कि आपके असाइनमेंट जमा हुए हैं कि नहीं हुए हैं, क्या आपका स्टेटस है उनके लिए। जो अभी दिसंबर सेशन में जो एग्जाम होने थे वो आपके अभी जो आगे एक्सटेंड कर दिए गए हैं। वो तो जो एग्जाम के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप देख सकते हैं वीडियो मेरी की कब तक जो इनके हैं जो एक्सटेंड किए गए हैं। और आप इसमें यहाँ पे अपने ड्रॉप डाउन में आप वैसे अपना कोर्सेज सिलेक्ट करके अपना असाइनमेंट चेक कर सकते हैं, असाइनमेंट स्टेटस। फिर आपका आता है कि एडमिशन स्टेटस। एडमिशन स्टेटस के लिए आप इग्नू के साइट में इग्नू सर्च करोगे गूगल में और ये पेज ओपन हो जाएगा ऐसे, और एडमिशन स्टेटस पे क्लिक करोगे ये दिखाई देगा। आप अपना जो कोई स्टूडेंट से ऐसे होता है कि अपने जो असाइनमेंट्स के बारे में या कुछ अन्य चीज के बारे में कोई जानकारी भूल गया तो वो यहाँ पे अपना जो चेक कर सकता है प्रोग्राम कोड एंटर करके कि कौन से प्रोग्राम करके। आगे है आपके लिए कि जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है, वो ऐसे री रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, तो गूगल में इग्नू सर्च करोगे आपका ये आएगा। उसके अंदर आप एडमिशन रजिस्टर ऑनलाइन में जाओगे, फिर फ्रेश एडमिशन में जाओगे, री रजिस्ट्रेशन यहाँ से होगा। फ्रेश एडमिशन के लिए यहाँ से री रजिस्ट्रेशन मतलब कि जिसने ऑलरेडी पहले भी ये कर रखी है और भी ये सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना है तो उसके लिए है। आप फ्रेश एडमिशन में जाओगे, जिसको अभी इस सेशन से शुरू करना है वो फ्रेश एडमिशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नया पेज ये ओपन हो जाएगा। इसमें आपको दिया गया कि लास्ट डेट है जो 30 नवंबर कर दी गई है, और सर्टिफिकेट और सेमेस्टर बेस्ड कोर्सेज है वो प्रोग्राम है उसमें शामिल नहीं है। इसके बाद लिखा है कि SC ST में एग्जामिनेशन